अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल कैसे हैं आप सब वक्त हो रहा है अंदाजन चार बजे के आसपास तो गुड इवनिंग कहना बनता है कैसे हैं आप सब ठीक हैं दिस इज़ दिवानशी अलावत और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल आज मैं हूँ सोनीपत शहर में तो सबसे पहला वीडियो मैंने सोनीपत का शूट करना है आज और ये सामने आप देख सकते हैं अर्बन ठेक का ठीक है ये है सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल के ऑपोजिट लैंडमार्क समझ लीजिए वो सामने एक्सप्लोर जिम है जो कि सोनीपत का वन ऑफ द बेस्ट बेहतरीन जिमों में से एक है मेरे ख्याल में इट्स द बेस्ट जिम ऑफ सोनीपत ऐसा मैंने सुना है बाकी हकीकत तो पता नहीं तो बस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं आपको अब अंदर लेके चलते हैं इनका मेन्यू दिखाते हैं इनके प्राइजेज़ इनके क्या कुछ आइटम्स हैं अंदर के बैठने की बैठने की व्यवस्था दिखाते हैं आपको नाम है इसका अर्बन ठेका जैसे मैंने बताया सिविल हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट है इस कॉम्प्लेक्स का नाम है आर एन कॉम्प्लेक्स ठीक है एक लैंडमार्क हो गया एक्सप्लोर जिम दरवाजे को हमने खींचा और दरवाजा खोला और ये आप अंदर का सिटिंग एज देख सकते हैं इस प्रकार से मैं आया हुआ मेरी खूबसूरत बीवी मेरी प्यारी सी बेटी सोन सोनिया एंड जियाना मेरी वाइफ सोनिया एंड मेरी डॉटर जियाना और मेरी सिस्टर इन लॉ सोनित जी और उनकी प्यारी सी बच्ची है मायरा ये दोनों देखो ये छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है यहाँ पे दो स्पीकर लगाए हुए हैं बेहतरीन रोमांटिक गाने बज रहे थे मेरा भी दिल कर रहा था डांस करने का बट मैंने बोला पहले एक काम करते हैं वीडियो शीटियो शूट कर लेते हैं नाच गाना तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा देव साहब तो ये इनका खूबसूरत सेटिंग एंजमेंट है नाम से एक्चुअली नाम इस पर ठेका लगा हुआ तो मुझे लग रहा था शायद मे भी जवान बच्चे बच्चे बैठ बैठकर ड्रिंकशिंग करते हो अच्छा ये देख लें सबसे पहले डाइस एंड डिलाइट ये पाँच छः आइटम्स हैं डाइस में छः छः पार्ट होते हैं तो आपको छः में से जोन सा भी आएगा देखें अभी हमने किया अनफॉर्चुनेटली ये नीचे गिर गया बट मैडम शी वॉज काइंड इनफ उन्होंने हमें सेकेंड चांस दिया तो आपको एक फ्री ऑफर मिल जाएगा जैसे सिक्स है तो सिक्स पे था इस पर मैगी लेकिन आ, हमने मैगी ऑलरेडी ऑर्डर की हुई थी तो उन्होंने बोला आप कुछ और ले लें हमने कहा ठीक है स्प्रिंग रोल दे दो तो मतलब कहने का मतलब एक ऑफ़र आपको पड़ेगा पड़ेगा फ्री ये चौबीस नवंबर लास्ट है उन्नीस से चौबीस नवंबर और तीन सौ रुपये से ऊपर के बिल पे है ये टर्म्स एंड कंडीशन है ये आप मेन्यू देख लें इनका ठीक है कोल्ड कॉफ़ी ठेका रॉयल ब्लेंड ठेका तो ये क्या है विंटेज शेक ठेका रिफ्रेशिंग ठेका फर्स्ट ब्लेंड शेक मोहितोज हो गए और ये पास्ता हो गया मैक्रोनी हो गया पिज़्ज़ा हो गया मोमोज हो गए वेफल्स हो गए बर्गर्स हो गए रेट्स इनके ठीक हैं कोल्ड कॉफी जैसे हमने ऑर्डर की थी वन थर्टी नाइन की थी ठीक है और घर की मैगी थी और सैंडविच ऑर्डर किया था घर की मैगी नाइन्टी नाइन की थी सॉरी वेजिटेबल मैगी ऑर्डर की थी वन हंड्रेड नाइन घर की मैगी नाइन्टी नाइन की थी और इस तरीके से तो हमने तीन सौ रुपये का हमने सोचा यार हम तो तीन बंदे हैं तीन सौ रुपए का बिल तो आराम से बन जाएगा और उसमें आपको एक ऑफ़र एक डिश फ्री मिल जाएगी तो हमें स्प्रिंग रोल हमने फ्री में उस ऑफर को अवेल किया था तो ये मेरी खूबसूरत बीवी यहाँ पे जियाना के साथ हल्का सा डांस करते हुए उसको शांत कराते हुए क्योंकि जियाना को बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे डांस हो रहा था मतलब गाने वाने बज रहे थे तो माहौल बन गया था बेसिकली डांस का तो ये छोटी सी मायरा माय दूसरी बच्ची है यहाँ पे ये मेरी वाइफ टीज कर रही है जियाना को ऐसे जियाना भी टीज़ करती है फिर मम्मा को पहले जियाना को मम्मा की करती है फिर जियाना मम्मा को करती है टीज़ ये दोनों बच्चे प्यार से बैठे हुए थे यहाँ पे रोमांटिक गाने बज रहे थे बड़े प्यार से बैठे इतने प्यारे लग रहे थे ना दिल तो था मेरा गाने को भी मैं वीडियो में डाल दूँ लेकिन वो मोनिटाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाया अच्छा इनको नौ महीने हो गए यहाँ पे अस्तित्व में मतलब एग्जिस्टेंस इनका नौ महीने से ये दुकान ये कैफे यहाँ पे है तो so, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इसको मेरे ख्याल में छः आठ महीने से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे आएंगे आएंगे बट मेरे दिमाग में बस वो इमेज थी कि यार बच्चे दारू दारूदूरू बैठ के पीते होंगे तो शायद मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे मुझे नहीं पता था फिर हाल फिलहाल में मैंने इसकी फोटो देखी इंस्टाग्राम पर मुझे लगा यार ये तो अच्छी जगह जाया जा सकता है अच्छा ये है वो वेजिटेबल मैगी जो मैं कह रहा था ये हंड्रेड एंड की है तो टेस्टी थी एक सौ की मैगी है लेकिन टेस्टी थी इसमें वेजीज़ थे और अच्छा था मतलब इट वाज नाइस ये ये वो आइटम है जो आपको फ्री मिला जो हमें फ्री मिला मतलब स्प्रिंग रोल ये 129 का था बट ऑफर में फ्री मिल गया तो बल्ले बल्ले हो गई ये 139 की कॉफ़ी है ठीक है ये मैंने नहीं पी थी मेरी वाइफ ने पी थी तो शी वाज वो इट वाज गुड इनफ अच्छी थी बेहतरीन थी और साथ में ये लास्ट आइटम आ गया हमारा सैंडविचेस ठीक है ये नाइनटी के थे दिस वॉज ऑल्सो इक्वली गुड तो अच्छा ये देख लें आप बिल पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप चाहें कुछ इंक्वायरी करके आना चाहे इंक्वायरी करके आएँ और ये हमने बिल शिल यहाँ पे पे करके हम घर की तरफ निकल लिए थे बाय बाय लव यू